हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। लैप्स ऑफ मेमोरी का मतलब होता है याददाश्त कम हो जाना या फिर कुछ अपनी लाइफ का कोई इवेंट या कोई पार्ट भूल जाना। तो विपिन चौधरी जो है उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया कि कैसे वो अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो भूल जाते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू हैव अ गुड मेमोरी, आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास एक अच्छी याददाश्त है। Has your memory ever played any tricks on you? तो क्या आपकी मेमोरी भी आपके साथ कभी कोई खेल खेलती है या कभी कुछ चीजें आप भूल जाते हो, कुछ चीजें आपको याद रहती है। Forgetfulness often puts you in a tight spot. तो forgetfulness यानी कि जो भूलने की बीमारी होती है उससे आप एक काफी परेशानी आपको हो सकती है। But forgetting a part of your life completely may drive you crazy. तो आपकी लाइफ का एक पूरा एक हिस्सा ही अगर आप भूल जाओ तो उससे क्या होगा, आप पागल भी हो सकते हो। इन द स्टोरी, तो इस कहानी में विपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे इन एट रांची। तो इस कहानी में विपिन बाबू जो है उनको अपना जो है कुछ भूल जाते हैं, और क्या भूल जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वो कभी रांची भी गए थे। ही हैज नेवर बीन टू रांची, वो कभी भी रांची नहीं गए थे। ही इंसिस्ट, वो जोर डालते हैं कि वो कभी भी रांची नहीं गए थे। दो देयर आर मैनी विटनेसेस टू द कंट्ररी, व्हाट इज दिस सस्पेंस ऑल अबाउट। लेकिन वो कहते हैं कि वो कभी रांची नहीं गए थे, लेकिन फिर और लोग जो है वो कहते हैं कि हाँ आप रांची गए थे, तो क्या सस्पेंस है। इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। एवरी मंडे, हर सोमवार को ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, जो जब भी वो काम से वापस आते थे, विपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। तो वो कहाँ पर उतरते थे, कालीचरण न्यू मार्केट में उतरते थे किताबें खरीदने के लिए। क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स, और क्या क्या बुक्स होती थी, क्राइम स्टोरीज, गोस्ट स्टोरी यानी कि भूतिया कहानियाँ और थ्रिलर्स। ही हैड टू बाई एट लीस्ट 5 एट ए टाइम, तो एक समय पर वो 5 किताबें खरीदते थे टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, ताकि वो पूरे हफ्ते चल जाए। ही लिव अलोन, और वो अकेले रहते थे। वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, उनकी सब हर किसी से बनती भी नहीं थी। हाँ, हैड फ्यू फ्रेंड्स, थोड़े से दोस्त थे उनके, एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन इडल चैट, और उनको खाली बेकार की जो बातचीत होती है उसमें बात टाइम स्पेंड करना अच्छा भी नहीं लगता था। टूडे एट कालीचरण, विपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। तो जब वो किताबें खरीद रहे थे कालीचरण मार्केट से, तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनको घूर रहा है या देख रहा है। ही टर्न राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु वाज ब्रोक इनटू अ स्माइल। तो उन्होंने जैसे ही वो पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि कोई एक गोल गोल चेहरा था उसका, मीक लुकिंग का मतलब होता है क्वाइट शांत, हम्बल, ठीक है, बड़ा विनम्र दिखने वाला व्यक्ति उनको देख रहा था, और फिर उसको उनको जो है वो जो व्यक्ति है वो स्माइल करने लगे थे विपिन चौधरी को देख के। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता आपने मुझे पहचाना है। हैव यू मेट बिफोर आस्क्ड विपिन चौधरी, विपिन बाबू कहते हैं कि क्या हम पहले कभी मिले हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, तो जो व्यक्ति है उसको काफी आश्चर्य हो गया। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, ठीक है, वो कहता है कि हम तो एक हफ्ता लगातार मिले थे। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुद्रो फॉल्स, तो और मैंने क्या है आपके लिए कार भी अरेंज करी थी हुद्रो फॉल्स से, ठीक है। इन 1958 इन रांची, और ये कब की बात है, 1958 की बात है रांची की, इन रांची। माय नेम इज परिमल घोष, और मेरा नाम क्या है, परिमल घोष है। फिर विपिन बाबू कहते हैं रांची, अच्छा मैं रांची कब गया। नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वाज नॉट ही बट ही दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक, तो कहते हैं कि अच्छा मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है, ये व्यक्ति ही है जिससे गलती हो रही है, मुझे पहचान नहीं पा रहा अच्छे से। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी भी रांची नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट, वो जाना तो चाह रहे थे लेकिन कभी जा नहीं पाए थे। ही स्माइल्ड एंड सेड, वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा डू यू नो हु आई एम, तो क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। द मैन रेज हिज आईब्रोज, तो व्यक्ति ने अपनी आईब्रोज उठाई, बिट हिज टंग, अपनी जीभ काटी, एंड सेड, और कहा डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ। हु डज नो विपिन बाबू, हु डज नॉट नो विपिन बाबू, कौन ऐसा है जो विपिन बाबू को नहीं जानता होगा। सॉरी
विपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक सेल्फ एंड सेड, अब विपिन बाबू जो है वो फिर से बुक सेल्फ की ओर मुड़े और कहा, टिल स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप अभी भी कोई गलती जरूर कर रहे हैं, वन ऑफन डज, होता है कभी कभी, आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं तो कभी रांची नहीं गया, द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब जो व्यक्ति था वो जोर जोर से हंसने लगा, व्हाट आर यू सेइंग, तुम ये क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी, व्हाट आर यू सेइंग, आप ये क्या कह रहे हैं, यू हैड इन फॉल इन उद्रो, आप क्या उद्रो में गिर गए थे, एंड कट योर राइट नीज, और आपके जो दाया वाला नी है घुटना वहां पर आपको कट लग गया था, आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैं आपके लिए आयोडीन लेकर आया था, आई हैड पिक्ड अप अ कार्ड फॉर यू टू गो टू नेतारहाट द नेक्स्ट डे, और मैंने आपके लिए कार्ड भी करी थी ताकि आप नेक्स्ट डे नेतारहाट जा पाओ, बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन आप नहीं जा पाए क्योंकि आपके घुटनों में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, कांट यू रिकॉल एनी थिंग, क्या आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है, समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, अच्छा कोई और भी है जिसे आप रांची उस टाइम जानते हो जो आपको रांची में मिला था, तो वो कहते हैं जो परिमल बोस है वो कहते हैं कि कोई और भी है जिससे पता है कि आप रांची गए थे उस टाइम पे, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, मुखर्जी वो कहते हैं कि वो है दिनेश मुखर्जी, यू स्टेड इन अ बंगलो, तुम वहां पर एक बंगलो में रुके थे, यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील कुक्ड बाय अ बावर्ची, तुमने कहा था कि तुम्हें होटल का खाना तो पसंद नहीं है इसलिए तुमने अपना खाना किसी बावर्ची से बनाया था, मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी जो थे अपनी बहन के साथ वहां पर रुके थे, यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेम्बर तुम्हारी जो है उनसे बहस भी हो गई थी मून लैंडिंग के की बात पर, आई विल टेल यू मोर, मैं तुम्हें और बताऊंगा, यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, तो कहते हैं कि तुम्हारे पास हमेशा एक बैग रहता था जिसमें क्या होती थी बुक्स होती थी, आई एम राइट और नॉट, क्या मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं, क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स, बिपिन बाबू जो है एकदम शांत हो जाते हैं और उनकी किताबें जो है वो आईज जो है अभी भी किताबों पर ही होती है, विच मंथ इन 1958 आर यू टॉकिंग अबाउट, और चुपचाप से कहते हैं स्पोक क्वाइटली, वो बिल्कुल शांति से कहते हैं कि अच्छा 1958 में किस महीने की बात तुम कर रहे हो, द मैन सेड, तो व्यक्ति कहता अक्टूबर आई एम टॉकिंग अबाउट अक्टूबर, मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, नो सर सेड विपिन बाबू, विपिन बाबू ने कहा सर नहीं, आई स्पेंड पूजा इन 1958 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, मैं तो उस टाइम पे कानपुर गया हुआ था जहाँ पर मैंने एक पूजा अटेंड करी थी 1958 में अपने किसी फ्रेंड के घर, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप तो गलतफहमी हो रही है, गुड डे, कोई बात नहीं अच्छा दिन हो आपका, बट द मैन डिड नॉट गो, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी नहीं गया, नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और उसने बात करना भी बंद नहीं किया, वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग तो बड़ी अजीब सी बात है, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, एक शाम तो मैंने आपके साथ चाय भी पी थी आपके बंगलो का जो वरांडा था वहां पर, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया था, यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने बताया था कि आपकी कोई बच्ची नहीं है, एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आपने ये भी बताया था कि आपकी वाइफ जो है आपको छोड़कर 10 साल पहले चली गई है, यानी कि उनकी डेथ हो गई है, योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेंस, तो जो आपका ब्रदर है वो भी पागल हो गया था, विच इज वाई यू डिड नॉट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, तो जिस कारण आप जो रांची का मेंटल हॉस्पिटल है वहां आप नहीं गए थे, व्हेन विपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वाज लीविंग द शॉप द मैन वाज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीव, तो जो विपिन बाबू थे अपनी बुक्स का के पैसे देकर वो जाने ही वाले थे, तो जो व्यक्ति था वो उनको बड़े ही अजीब तरीके से देख रहा था, बिल्कुल सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित होकर उन्हें देख रहा था, उसका सेकेंड पार्ट हो जाता है चैप्टर का, अब ये विपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क इन बेट्राम स्ट्रीट बाय अ लाइट हाउस सिनेमा, तो विपिन बाबू ने अपनी उनकी कार जो है वो वहाँ पर यहाँ पर बेट्राम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा में पार्क कर ली थी, ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इन टू द कार, तो जैसे ही वो कार के अंदर गए वो उन्होंने ड्राइवर को बताया जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा के किनारे किनारे से चलो, विल यू सीताराम क्या तुम ऐसा करोगे, driving up the stand road bipin babu regretted having paid so much attention to the introducer, to jaise hi wo ja rahe the to unhone socha
कि मैंने क्यों उस इंट्रोड्यूसर की बातों में आकर इतना सारा क्या किया, इतने ज्यादा मैं परेशान हो गया, इतने ज्यादा मैं परेशान हो गया क्यों उसकी बातों में इतना मैंने ध्यान दिया। He had never been to Ranchi, no question about it, कहते हैं खुद से कि मैं तो कभी रांची गया ही नहीं, इस बारे में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, कोई सवाल ही नहीं है कि मैं कभी रांची गया था। इट वॉज inconceivable दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। ठीक है, कहते हैं कि ये तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी अगर मैं भूल गया कि मैं कभी रांची भी गया था, और ये कब हुआ था, 6 or 7 years पहले की बात है। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनके पास एक काफी अच्छी याददाश्त थी, अनलेस बिपिन बाबूज हैड रीड, तो उनका जो सर था वो रील का मतलब होता है, हेड रील का मतलब होता है ही वॉज शॉक्ड एंड कंफ्यूज, वो बड़े चकित हो गए थे, शॉक लग गया था उनको और कंफ्यूज हो गए थे, वो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। Was he losing his mind? Losing his mind का मतलब होता है becoming mad, यानी कि पागल होना, क्या वो पागल हो रहे थे? But how could that be? लेकिन ये कैसे हो सकता था? He was working daily in his office, वो daily अपने office में काम कर रहे थे, it was a big firm, ये बड़ी बात है, and he was doing a responsible job, और वो एक अच्छी responsible नौकरी कर रहे थे, he wasn't aware of anything ever going seriously wrong. तो आज तक तो उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ गलत हो रहा है। Only today he spoke for half an hour at an important meeting and yet, और आज ही के दिन उन्होंने एक मीटिंग में लगभग आधा घंटा वो बोले थे और अब देखो क्या हो गया। And yet the man knew a great deal about him, और अभी अभी जो व्यक्ति है उनके बारे में बड़ी अजीब सी बातें कर रहा है। How, कैसे हो सकता है ऐसा? He even seemed to know some intimate details, तो उसको तो बहुत सारी बातों के बारे में पता था। द बैग ऑफ बुक्स, उसको पता था कि मैं अपने साथ बुक्स का एक बैग भी रखता हूँ। वाइफ्स डेथ, मेरी बीवी की मौत के बारे में भी पता था। ब्रदर्स इंसेंटी, तो भाई जो मेरा पागल होकर मर गया था उसके बारे में भी पता था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, लेकिन वो सिर्फ इतनी गलती कर देता है कि वो ये बोलता है कि मैं रांची गया था। नॉट अ मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं है, डेलिबरेट लाई, ये क्या है, सोची समझी गई चाल है जिसमें वो मुझे फंसा रहा है और ये झूठ है, सोच समझकर बोला गया झूठ है ये। In 58 during the puja he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place, तो कहते हैं कि 1958 में तो जब पूजा थी तो मैं अपने फ्रेंड के घर था और उनके फ्रेंड का नाम क्या था, हरिदास बागची था, और वो कहाँ रहते थे, कानपुर में रहते थे। ऑल बिपिन बाबू had to do was write to, no there was no way of writing to Haridas, कहते हैं कि ठीक है अब मैं हरिदास से पूछ लेता हूँ, फिर कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक नहीं होगा। विपिन बाबू suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan for some weeks ago, तो उन्हें याद आया कि अच्छा मैं हरिदास को, पहले तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं हरिदास को लेटर लिख के पूछ लेता हूँ एक बार, फिर suddenly यानी कि अचानक से उनको याद आया कि हरिदास तो अपनी वाइफ के साथ जापान चले गए हैं कुछ हफ्ते पहले। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उनका एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, पर कहते हैं कि आगे प्रूफ की या कन्फर्म करने की जरूरत ही क्या है, मुझे पता है अच्छे से कि मैं कभी भी रांची नहीं गया, एंड दैट वॉज दैट, और बात यहीं पर खत्म हो गई। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, ब्रेसिंग का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग, ठीक है किसी को उत्साहित करना। And yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. उनकी बार बार उनके दिमाग में चीज आ रही थी और जो ब्रीज है, जो रिवर की हवा है, वो उनको क्या कर स्टिमुलेट कर रही थी, प्रोत्साहित कर रही थी। And yet a slight discomfort lingered in Bipin Babu's mind. और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात भी थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि आप हमें रांची में मिले थे। Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at his right knee. तो उन्होंने हास्टिंग जब वो वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना ट्राउजर ऊपर उठा लेता हूँ, देखता हूँ अपने दाएं घुटने में क्या कहीं मुझे वहाँ पे कट लगा है। There was the mark of an old inch long cut. तो वहाँ पर उन्होंने देखा तो वहाँ पर क्या था, एक कट का निशान था। It was impossible to tell when the injury had occurred. और उनको याद नहीं आ पा रहा था कि आखिर ये चोट उन्हें कब लगी। Had he never had a fall as a boy and cut his knee,
तो सोचते हैं अपने मन में कि क्या जब वो बच्चे थे तब कभी गिरे होंगे और उनको चोट लग गई होगी। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुड नॉट। वो ऐसी दुर्घटना या घटना के बारे में याद करते रहे लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। फिर बिपिन बाबू को अचानक से दिनेश मुखर्जी की याद आती है। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि दिनेश भी तो उस टाइम पर रांची था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। तो अच्छा रहेगा कि मैं उससे पूछ लूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो पास में ही रहता है इन बेनिंदन स्ट्रीट। कहाँ रहता है वो? बेनी नंदन स्ट्रीट में रहता है। वट अबाउट गोइंग राइट नाउ? तो अभी जाना कैसे होगा? बट देन इफ यू हैड रियली नेवर बीन टू रांची वट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क फॉर अ कन्फर्मेशन? तो अगर वो कभी भी रांची नहीं गया होगा तो वो क्या सोचेगा कि आखिर क्यों दिनेश जो बिपिन बाबू हैं वो ऐसा कन्फर्मेशन मांग रहे हैं, क्यों कन्फर्म कर रहे हैं? ही कुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। तो गोइंग नट्स का मतलब होता है गोइंग क्रेजी या गोइंग मैड, यानी कि पागल होना। वो जरूर ऐसा सोचेगा कि बिपिन बाबू पागल हो चुके हैं या पागल हो रहे हैं। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। नहीं, ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि मैं उनसे पूछूं। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सार्कास्म कुड बी। और जो वो जानते थे कि दिनेश जो है बड़ा चिड़चिड़ा सा है, बड़े अजीब से वो बात करता है, बड़ी मजाक बनाएगा वो। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम। फिर वो पहुंच जाते अपने घर में और वहां क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं अपने एयर कंडीशन लिविंग रूम में। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। वो फिर से लेट जाते हैं। सच एन न्यूसेंस, ठीक है, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर्स पीपल्स हेयर। तो गेटिंग इन टू अदर्स हेयर का मतलब होता है, अदर पीपल्स हेयर का मतलब होता है इंटरफेयरिंग विद एंड अनोइंग पीपल। तो कहता है कि कितनी गंदी बात है, लोगों के पास कुछ काम नहीं होता उनके पास, तो इसलिए क्या करते हैं, दूसरों के मैटर पे वो इंटरफेयर करते हैं। आफ्टर डिनर, तो डिनर करने के बाद स्नगलिंग इन बेड, तो बिस्तर में लेट कर विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर बिपिन बाबू फॉरगेट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। तो वो सारा कुछ भूल जाते हैं, नई बुक जो पढ़ रहे होते हैं उसके साथ वो सारा कुछ भूल जाते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, इन द ऑफिस, ऑफिस में बिपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर, तो हर घंटा जो बीतता जा रहा था, द प्रीवियस डेज इनकाउंटर वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफिस माइंड। तो अगले दिन, पिछले दिन की जो यादें थी उनके दिमाग में आई जा रही थी। द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। अब वो सोचते हैं कि अगर वो इंसान जो व्यक्ति है वो मेरे बारे में इतना सब उसको पता है तो सिर्फ रांची ही ट्रिप के बारे में ही वो गलती क्यों करेगा। जस्ट बिफोर लंच, तो लंच के बाद बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। उन्होंने सोचा कि वो दिनेश मुखर्जी को फोन करेंगे, कॉल करेंगे। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। अच्छा रहेगा कि मैं फोन पर ही उनसे पूछ लूँ, एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो। इससे क्या होगा, मेरे चेहरे पर जो एम्बेरसमेंट है, जो शर्म मैं उनको दिखे है, वो नहीं दिखेगी दिनेश मुखर्जी को। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर। तो बिपिन बाबू ने नंबर डायल किया। हेलो, इज दैट दिनेश? कहते हैं कि क्या ये दिनेश है? दिस इज बिपिन हेयर, मैं बिपिन बात कर रहा हूँ। वेल वेल, ठीक है ठीक है, व्हाट्स द न्यूज़, क्या खबर है, कैसे फोन किया? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो मैं कुछ आपके तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम्हें 1958 की कोई घटना के बारे में याद है? ओके, तो 58, व्हाट इंसिडेंट? तो 58 की कौन सी घटना? वर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। तो कहते हैं कि क्या उस साल तुम कलकत्ता में थे? वेट जस्ट अ मिनट, अरे रुको थोड़ा सा, 58, जस्ट लेट मी चेक इन माय डायरी, अरे मुझे मेरी डायरी में चेक करने दो। फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस, तो एक मिनट के लिए वहां पर बिल्कुल शांति का माहौल था। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। बिपिन बाबू ने देखा कि उनकी जो दिल की धड़कन थी वो बढ़ रही थी। ही वॉज स्वेटिंग एंड अ लिटिल, उनको पसीना भी हो रहा था। हेलो, यस, वो कहते कि हेलो, यस, हाँ, आई हैव गॉट, मुझे मिल गया है। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, मैं दो बार बाहर गया था। वेयर? फिर बिपिन बाबू पूछते कहाँ गए थे आप? वंस इन फेब्रुअरी, एक बार तो मैं फेब्रुअरी में गया था, नियरली टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग। कहाँ गया था? कृष्णा नगर में गया था नेफ्यू की शादी में।
एंड देन उसके बाद बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, फिर कहते हैं कि अच्छा इसके बारे में तो तुम्हें पता है, द ट्रिप टू रांची, हम रांची में गए थे, ये जो कृष्णा नगर है वो भी रांची में ही, कहते हैं कि हम रांची इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, हम भी तो तुम भी तो थे द ट्रिप टू रांची, ठीक है, यू वर देयर टू, तुम भी तो वहाँ थे, दैट्स ऑल, इतनी बात है, बट व्हाट्स ऑल दिस फ्लूटिंग अबाउट, तुम इतनी खोजबीन क्यों कर रहे हो, इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो आखिर, फिर कहते हैं नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनी वे थैंक्स, फिर कहते हैं कि अरे नहीं ऐसे ही मैं पता कर रहा था, चलो कोई बात नहीं, थैंक यू. विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, तो उन्होंने क्या किया, बेचारे बड़े परेशान हो गए, अपने हाथों से अपना सर दबा लिया, सर नीचे कर दिए, ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उन्होंने देखा कि उनके सर में बहुत दर्द हो रहा था, स्विमिंग का मतलब तो जनरली तैरना होता है, यहाँ पर हम लेंगे तो घूमना, ठीक है, उन्होंने उनको ऐसा लग रहा था कि उनका सर घूम रहा है, अचिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, ऐसा लग रहा था कि कुछ ठंडा सा उनकी बॉडी के ऊपर डाल दिया गया है, देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस थी, बट ही डिड नॉट ईट देम, लेकिन उन्होंने खाया नहीं, ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, उन्होंने देखा उनकी भूख भी खत्म हो चुकी थी. उसके बाद इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट हो जाता है आफ्टर लंच टाइम, तो लंच करने के बाद विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग, तो वो कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा कि मैं डेस्क पर बैठ के काम ही करता रहूँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा, दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म, तो ऐसा कभी नहीं हुआ, 25 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ पर ऐसा कभी नहीं हुआ, ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कॉन्शियस वर्कर, तो उनकी एक रेपुटेशन है उनके ऑफिस में कि एक वो बिना थके हुए काम करते हैं, ध्यान से काम करते हैं, बट टुडे हिज हेड वॉज इन अ वर्ल, इन अ वर्ल का मतलब होता है सर चक्र आता है जब घूम रहा है, ठीक है, तो आज उनका सर जो था वो घूम रहा था, बेचारे बड़े कंफ्यूज थे, बैक होम एट 2:30 लगभग 2:30 पर वो घर आ गए, विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, तो उन्होंने क्या किया, गैदर हिज विट्स टुगेदर का मतलब होता है मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली, मतलब शांत रहने की कोशिश करना और बिल्कुल अच्छे से सोचना, तो उन्होंने कोशिश की कि वो शांत रहे और अच्छे से एक बार फिर से सोच पाए, ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी ऑन इन द हेड, तो उन्हें पता था कि ऐसा हो सकता है कि किसी के सर पे अगर चोट लग जाए तो वो याददाश्त खो सकता है, बट ही डिड नॉट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि मुझे सब कुछ याद है बट मैं सिर्फ ये रांची वाली जो घटना है उसी के बारे में कैसे भूल सकता हूँ, एंड अ फेयरली रीसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, और जो कि बिल्कुल अभी अभी हुई थी, ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वह हमेशा रांची जाना चाहते थे, टू हैव गॉन देयर डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेम्बर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, लेकिन वो वहाँ गए और उन्होंने वहाँ काफ़ी सारी चीज़ें करी लेकिन उन्होंने कुछ भी याद नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, एट 7:30 तो लगभग 7:30 विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस, तो विपिन बाबू के सर्वेंट आए और बोले चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कहते कि चुन्नी बाबू आए हैं और कह रहे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ काम है, विपिन बाबू न्यू बट चुन्नी हैड कम फॉर, अब विपिन बाबू को पता था कि चुन्नी जो है वो क्यों आया था, चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, जो चुन्नी लाल था वो स्कूल मैन के साथ था, ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब, तो उनका एक बुरा समय चल रहा था, इनकी पैसे कम थे और उनके पास एक जॉब के लिए आए थे, विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इन फैक्ट टोल्ड हिम सो, और वो सोचते हैं कि अभी तो उनके लिए कुछ करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं खुद इतना परेशान हूँ, बट चुन्नी कैप्ट टर्निंग अप लाइक अ बेड पैनिंग का मतलब होता है अपेयरिंग एट अ प्लेस वेयर वन इज नॉट वेलकम, ठीक है, तो चुन्नी जो थे बेचारे वहीं पर खड़े थे जहाँ पर वो पहले खड़े थे, ऐसा लग रहा था कि कोई उनको अंदर नहीं बुलाना चाह रहा है, विपिन बाबू सेंट वर्ड That not only was it not possible for him to see Chunni now,
चुन्नी बाबू उनको अभी नहीं देखना चाहते थे, चुन्नी लाल सॉरी ये बिपिन बाबू जो है वो चुन्नी लाल को अभी नहीं देखना चाहते थे, बट नॉट इन सेवरल वीक, पर कुछ हफ्तों तक वो उसको नहीं देखना चाहते थे या उससे कोई बातचीत वो नहीं करना चाहते थे, किसी से भी नहीं करना चाहते थे। बट एज सून एज अ सर्वेंट स्टेप्ड, तो जैसे ही वो सर्वेंट जो था ही स्टेप्ड आउट, वो बाहर निकलने लगा चुन्नी लाल को जाओ कहने के लिए, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 1958। तो उनके दिमाग में अचानक से ये बात आई कि क्या पता चुन्नी को पता हो 58 के ट्रिप के बारे में, देयर वाज नो हार्म टू आस्किंग हिम, उसको पूछने में कोई गलत बात नहीं है, अगर मैं उसको पूछ लूंगा तो कोई हानि नहीं होगी। बिपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। अब बिपिन बाबू जो थे जल्दी जल्दी सीढ़ियों से गए और कहाँ पहुंच गए, लिविंग रूम में। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी जैसे ही छोड़ने वाला था जाने वाला था, बट सीन बिपिन बाबू अपेयर, तो उन्होंने उससे देखा कि बिपिन बाबू तो आ चुके हैं। ही टर्न राउंड होपफुली, वो बड़ी आशा से मुड़ा। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बश, बीट अबाउट द बश का मतलब होता है कम के स्ट्रेट टू द पॉइंट, ठीक है। जो बिपिन बाबू थे वो सीधे पॉइंट पर आ गए, यानी कि उन्होंने कोई फालतू बात नहीं करी। डिड नॉट बीट अबाउट द बश का मतलब होता है कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, ठीक है, कोई भी फालतू बात नहीं करना, सीधे वो पॉइंट पर आ गए। और उन्होंने पूछा, लिसन चुन्नी, सुनो चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारे पास एक अच्छी याददाश्त है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे काफी समय से देखते हुए आ रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची 1958, तो अपने दिमाग को थोड़ा पीछे ले जाओ और मुझे बताओ कि क्या मैं कभी रांची गया था 1958 में। चुन्नी सेड 1958, चुन्नी कहते हैं अच्छा 1958, इट मस्ट हैव बीन 58, हाँ हाँ जरूर 58 ही होगा, और वॉज इट 59, या फिर या तुम 58 में गए थे या फिर 59 में गए थे। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, फिर कहते हैं कि अच्छा तुम पक्का हो, श्योर हो तुम कि क्या मैं रांची गया था। चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्स विद वरी, तो चुन्नी बड़े अमेजमेंट से उनको देखता रहा। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, तो कहता है कि क्या तुम ऐसा बोलना चाह रहे हो कि जो तुम रांची गए थे उसके बारे में तुम्हें कुछ शक है। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, फिर वो पूछते हैं कि क्या मैं सच में गया था, सच में तुम्हें याद है ये सब। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफे पर बैठ गया। फिर बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सैड, बिपिन बाबू को घूरता हुआ बोला कि बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुम आजकल नशा तो नहीं करते हो, ड्रग्स तो नहीं लेते हो। एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, जैसा मैं जानता हूँ कि तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी अच्छी है, तुम चीजों को बड़े अच्छे तरह से याद करते हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, हम मुझे पता है कि पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन तुम्हारी तो एक अच्छी मेमोरी थी, तुम्हारी एक अच्छी खासी याददाश्त थी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, तुम ये कहना चाह रहे हो क्या कि हम रांची ट्रिप के बारे में तुम भूल चुके हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नी इनक्रेडुलस स्टेयर, अब बिपिन बाबू बड़े अजीब तरीके से चुन्नी लाल की ओर देख रहे थे। जो चुन्नी लाल थे वो बिपिन बाबू को बड़े अजीब तरह से देख रहे थे और बिपिन बाबू उनसे मूव कर रहे थे, ठीक है। डू यू रिमेम्बर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज, तो फिर चुन्नी लाल पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि मैं पहले कहाँ नौकरी करता था। ऑफकोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी, हाँ हाँ तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, अच्छा तुम्हें ये तो याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है कि मैं ही तो वो था जिसने तुम्हारी रेलवे टिकट्स बुक करी थी रांची के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन गया था टू सी यू ऑफ, तुम्हें छोड़ने के लिए। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक पंखा काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और तुम्हें एक इलेक्ट्रीशियन को बुला कर लाया था इसको फिक्स करने के लिए, सही करने के लिए। Have you forgotten everything? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? Whatever is the matter with you? पता नहीं तुम्हारे तुमको क्या हो गया है? You don't look too well. तुम ठीक भी नहीं दिखाई दे रहे हो. You know, ठीक है? ऐसे कहते हैं उनको. बिपिन बाबू sighed and shook his head. बिपिन बाबू बेचारे अपना सर हिलाते हैं कि हाँ ऐसा ही है कि मैं कुछ ठीक नहीं हूँ.
फिर विपिन बाबू कहते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं शायद बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ही सेड एट लास्ट. ठीक है, उन्होंने कहा कि शायद हाँ मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा है कि मैं अपनी मेमोरी खो रहा हूँ धीरे धीरे. दैट मस्ट बी द रीजन, यही कारण हो सकता है. मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, मुझे जरूर एक स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए खुद को. डाउटलेस इट वॉज विपिन कंडीशन विच मेड चुनिला लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब. तो विपिन बाबू की ऐसी कंडीशन देख के जो चुन्नी लाल था वो बिना जॉब के बारे में बात किए वहां से निकल गया. परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड अ शार्प नोज. फिर वो गए फिजिशियन के पास, उसका नाम था परेश चंदा, जिनके पास दो चमक वाली आंखें थी और एक नुकीली सी नाक थी. ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स. तो वो सोच में पड़ गए जब उन्होंने विपिन बाबू के सिम्टम्स यानी कि उसके लक्षण देखे कि ऐसा हुआ. लुक डॉक्टर चंदा, सेड विपिन बाबू डेस्परेटली. तो विपिन बाबू कहते हैं डॉक्टर चंदा से, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, तुम्हें मुझे इस भयानक बीमारी से बचाना ही होगा. आई कांट टेल यू हाउ इट इज अफेक्टिंग माई वर्क, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये मेरे काम पर कैसे प्रभाव डाल रहा है. डॉक्टर चंदा शूक हिज हेड, डॉक्टर चंदा अपना सर हिलाते हैं. यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड. मिस्टर चौधरी से वो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स, ऐसा कोई केस कभी पहले मेरे पास नहीं आया. फ्रेंकली मैं सच कह रहा हूँ, दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. कहते हैं कि ऐसा कोई केस आज तक मुझे ऐसे केस का अनुभव ही नहीं है. बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन एक सुझाव मैं दे सकता हूँ. आई डोंट नो इफ इट विल वर्क बट इट्स वर्थ अ ट्राई. लेकिन मुझे, मैं नहीं कह सकता कि ये कोई काम करेगा, लेकिन ये ट्राई हम कर सकते हैं इसको. इट कैन डू नो हार्म, इससे कोई हमें हार्म नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा ऐसा करके. विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एनेक्सियसली. तो विपिन बाबू उनको पूछते हैं कि हाँ बताओ क्या करना है. एज फार एज आई कैन मेक आउट डॉक्टर सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची. तो डॉक्टर चंदा उनसे कहते हैं कि तुम्हें रांची जाना होगा, बट ड्यू टू सम, तुम रांची गए थे बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन कुछ अनजान कारणों की वजह से द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड. तुम्हारे दिमाग से जो रांची की बातें हैं, वहाँ जो जो तुमने किया वो सारा स्लिप हो चुका है, सारा गायब हो चुका है. वट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन. तो मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम फिर से एक बार रांची जाओ. द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, हो सकता है कि उस जगह को देख के तुम्हें कुछ याद आ जाए अपने ट्रिप के बारे में. दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, कहते हैं कि असंभव तो नहीं है, ऐसा किया जा सकता है. मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, अभी इस समय में इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कह सकता. आई एम प्रीस्क्राइबिंग अ नर्व टोनिक एंड अ ट्रैंक्यूलाइजर. ट्रैंक्यूलाइजर क्या होता है? अ मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनेक्सिटी. तो एक ऐसा ऐसी दवाई जिससे तनाव कम होता, अनिद्रा यानी कि उससे नींद अच्छी आती है. ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया, एक उनको एक नर्व टॉनिक दी और एक ट्रांसक्यूलिजर दिया. स्लीप इज एसेंशियल, सोना जरूरी है और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड. कहते हैं कि सोना जरूरी है वरना जो सिम्टम्स हैं वो और भी भयानक हो सकते हैं. विपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग. तो अगली सुबह जब विपिन बाबू उठे तो उनको कुछ अच्छा अच्छा लगा. आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद ही रैंग अप हिज ऑफिस. उन्होंने अपने ऑफिस को कॉल किया, गैव सम इंस्ट्रक्शन, कुछ आदेश दिए, एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर दी सेम इवनिंग. यानी कि फिर क्या किया उन्होंने, जैसे तैसे क्या किया, रांची के लिए एक टिकट ली फर्स्ट क्लास की. ठीक है, शाम की टिकट ली. अब इसका फोर्थ पार्ट है गेटिंग ऑफ द ट्रेन. तो ट्रेन से उतरने के बाद एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो ट्रेन पहुंचे, ट्रेन जो थी उनकी रांची पहुंच गई थी. ही रियलाइज इट वाज दैट ही हैड नेवर बीन टू देयर बिफोर. उनको एक बार तो ऐसा लगा कि वो कभी भी रांची नहीं आए हैं. ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आए, टुक अ टैक्सी, टैक्सी करी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ व्हाइल. और शहर के चारों ओर वो कुछ समय घूमने लगे. ही रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबाड़ी हिल विथ नन ऑफ दीज हैड द स्लाइटेस्ट एक्विटेंस. तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि जो वहाँ की गलियाँ हैं, जो इमारतें हैं और जो होटल्स हैं, बाजार्स हैं और जो मोराबाड़ी हिल्स हैं,
उसका उनकी लाइफ से या जो इंसिडेंट हो रहा था उससे कोई भी कनेक्शन नहीं है, यानी कि उनको उन्होंने कभी उसको पहले कभी नहीं देखा ऐसा लगा उन्हें। वुड अ ट्रिप टू द हुड्रो फॉल्स हेल्प, तो सोचते हैं कि क्या अगर मैं हुड्रो फॉल्स जाता हूँ जहाँ पर मुझे चोट लगी थी, अकॉर्डिंग टू दैट इंट्रोड्यूसर जैसा उसने कहा था कि तुम्हें हुड्रो फॉल पर चोट लगी थी, तो हो सकता है मैं एक बार वहाँ जाता हूँ तो वहाँ मुझे कुछ याद आ जाए। ही डिड नॉट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिड नॉट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ। वो ऐसा मानते तो नहीं थे कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो ये भी नहीं करना चाहते थे कि उनको ऐसा पछतावा हो कि उन्होंने अच्छे से कोशिश नहीं करी, पूरी कोशिश उन्होंने नहीं करी। सो ही अरेंज फॉर अ कार, इसलिए उन्होंने एक कार का इंतजाम किया एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून, और हुड्रो को चल दिए, दोपहर की बात है ये। एट 5 o'clock, तो 5 बजे द सेम आफ्टरनून उसी दोपहर को इन हुड्रो में टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बापू लाइंग अनकॉन्सियस बिसाइड अ बाउल्डर। तो उसी दोपहर को जो पिकनिकर्स थे, गुजराती थे जो, उन्होंने देखा कि जो बिपिन बाबू है वो बेहोश पड़े हुए हैं। वेन ही केम राउंड, द केम राउंड का मतलब होता है जब होश में आ जाना, ठीक है। तो जब उन्हें होश आया, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वॉज आई एम फिनिश्ड, देयर इज नो होप लेफ्ट। तो वो कहते कि अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ, कोई उम्मीद बाकी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें कुछ कुछ भी चीजें याद नहीं आई। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ, बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, बिपिन बाबू वापस कलकत्ता आ गए थे। ही रियलाइज दैट देर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, और उनको एहसास हो गया था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, तो कहते हैं कि जल्द ही वो सब कुछ खो देंगे। हिज विल टू वर्क, उनकी काम करने की शक्ति क्षमता, हिज कॉन्फिडेंस उनका जो आत्मविश्वास है, हिज एबिलिटी उनकी क्षमता, हिज बैलेंस ऑफ माइंड और उनके माइंड का जो बैलेंस है, वो सब कुछ वो खो देंगे जल्द ही। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट, और फिर ये भी कहते हैं कि क्या मेरा जो अंत है वो असाइलम में होगा। बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, इससे ज्यादा वो कुछ और नहीं सोच पा रहे थे। बैक होम, तो घर आकर ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, उन्होंने डॉक्टर चंदा को फोन किया एंड आस्क हिम टू कम ओवर, और उनसे कहा कि आप यहाँ आ जाइए। देन आफ्टर अ शार, शार यानी कि जो हम लेते हैं ना, जो फवारा जैसा होता है बाथरूम में, उसको कहते हैं शार लेना। तो शार लेने के बाद ही गॉट इन टू बेड विथ एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। शार लेने के बाद उन्होंने क्या किया, एक आइस बैग लिया और अपने सर पे उसको रखा। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन दैट लेटर बॉक्स। तो उसी समय उनका जो नौकर है उनको वो एक लेटर यानी कि पत्र लेकर आया जो लेटर बॉक्स में कोई उनके लिए छोड़ गया था। अ ग्रीनिश एनवलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, तो एक ग्रीन कलर का उसका लिफाफा था और रेड इंक से उस पर नाम लिखा हुआ था। अबव द नेम इट सेड, तो नाम के ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, ये अर्जेंट है और कॉन्फिडेंशियल है, यानी कि जिसके लिए है वही इसे पढ़ेगा। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ओड टू गो थ्रू द लेटर, तो उनकी इतनी बुरी हालत तो हो रही थी फिर भी उन्होंने सोचा कि एक बार लेटर को पढ़ लिया जाए। ही टोर अप द एंड ओपन द एनवेलप, तो उन्होंने लिफाफा फाड़ा एंड टुक आउट द लेटर, लेटर बाहर निकाला। दिस इज व्हाट ही रीड, तो उन्होंने क्या पढ़ा लेटर में, डियर विपिन, डियर विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट अफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज यू दैट इज इट हैज डन, तो कहते हैं कि सफलता, तुम जो सफल हुए वो तुम्हारे अंदर इतना बड़ा चेंज लेके आएगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, तो क्या तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है, इतना कठिन है क्या किसी ऐसे दोस्त को हेल्प करना जो जिसका भाग्य अभी खराब चल रहा हो। आई हैव नो मनी, मेरे पास अभी पैसे भी नहीं है, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। बट आई हैव इज इमेजिनेशन अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इज रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, तो मेरे पास सिर्फ क्या है, इमेजिनेशन यानी कि सोचने की ही क्षमता है, मैं सिर्फ सोच सकता हूँ, जिसका मैंने यूज किया है, जिसका एक हिस्सा मैंने किसमें यूज किया है, आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट, एज अ पनिशमेंट, जिसकी सजा मैंने तुम्हें दी है, जिसका पार्ट मैंने यूज किया है तुम्हें सजा देने में, तुम्हारा जो है अजीब सा बिहेवियर है उसके लिए। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, तो कहते कि चलो इस लेटर को पढ़ने के बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
अ नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर. तो मैंने एक नोवेल लिखी है, वो एक पब्लिशर, वो उसे पब्लिश करेगा, करने जा रहा है. इफ ही लाइक्स इट, तो अगर उसे पसंद आता है, आई विल सी मी, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. तो मुझे जो है ये नोवेल जो है कुछ हफ्तों में ये नोवेल छप जाएगी और फिर मुझे पैसे भी मिल जाएंगे. यानी ये सब किसने किया गया था? विपिन बाबू से बदला लेने के लिए. किसने किया था? चुन्नी लाल ने, क्योंकि विपिन बाबू ने उसके बुरे वक्त में उसकी हेल्प नहीं करी थी, इसलिए चुन्नी लाल ने क्या किया, उसकी उसको सजा दी. डॉक्टर व्हेन डॉक्टर चंदा केम, तो जब डॉक्टर फिर डॉक्टर चंदा आए, विपिन बाबू सेड, विपिन बाबू ने कहा आई एम फाइन, इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची. कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हुआ, तो जैसे ही मैं रांची में ट्रेन से बाहर उतरा तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया था, मुझे सब कुछ याद आ गया था. अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा. डॉक्टर चंदा कहते हैं अरे बड़ा अजीब सा केस है. I shall certainly write about in a medical journal. कहते हैं कि मुझे एक medical journal में इसको लिखूंगा मैं, ठीक है, इसको publish करवाऊंगा. The reason why I sent you for, said Bipin Babu, is that I have pain in the hip from a fall I had in Ranchi. कहते हैं कि I sent for you का मतलब होता है तुम्हें बुलाया, ठीक है, तो मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं रांची में गिर गया था और मेरे हिप पे चोट लग गई थी जिससे मुझे दर्द हो रहा है. If you could prescribe a painkiller, तो क्या आप मुझे कोई painkiller दे सकते हैं? तो ये जो स्टोरी है वो लिखी है सत्यजीत रे ने. और ये स्टोरी किसके बारे में? विपिन चौधरी के बारे में है, जिनसे उनका दोस्त जो है वो बदला लेता है क्योंकि विपिन चौधरी जो है उसकी हेल्प नहीं करते उसके बुरे वक्त पे. ठीक है, तो चैप्टर खत्म हो गया, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू.